हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आज मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के अभी लगभग 6 बजे हुए हैं। तो मैं अपने घर के छत पे आई हुई हूँ आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लेकर, जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड या फिर आपके हेयर फिटनेस या फिर आपको कोई भी दिक्कत है उसके लिए आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे कि कोरोना का टाइम चला हुआ है तो आज के टिप्स कुछ ऐसे रहने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं और आपको कोरोना से बचने के लिए भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आज की मेरी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है, तो मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इस वीडियो में मिलने वाले सारे बेनिफिट्स को उठा सकें। सो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं नेचुरल पूनम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इसके लिए क्या करना है कि आपने कोई ऐसी जगह को चुनना है जहाँ का वातावरण बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ हो या फिर जहाँ की आपको जाके बैठकर बहुत ज़्यादा शांति मिलती हो, आपने ऐसी जगह को चुनना है। इसके लिए अगर पॉसिबल हो तो आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है, आप पद्मासन नहीं लगा सकते, तो आप किसी भी सुखासन में बैठ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सुख जो है वो लेट के लगे, तो आप लेट के जो ये मैं आपको प्राणायाम बताने जा रही हूँ तो आप वो करें। तो आपको इसके लिए बैठना है, तो आप नॉर्मली जैसे हम बैठते हैं वैसे भी बैठ सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी बैठ गई हूँ और अभी मैं लगा रही हूँ पद्मासन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पद्मासन लगा लिया है और मैं पद्मासन में बैठी हुई हूँ। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप लगाएं, वरना आप ऐसे ही सुखासन में बैठ जाएं। तो अब मैं करूँगी प्राणायाम। आपने अपने घर की छत पे बैठ जाना है और बिल्कुल फ्री माइंड हो जाना है आपने। आपकी जितनी भी टेंशन है, जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, आपने उन सबको भूल जाना है और बस अपना जो ध्यान है वो सिर्फ अपने प्राणायाम पे केंद्रित करना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगी अनुलोम विलोम के बारे में। वैसे तो इसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं क्योंकि बाबा रामदेव ने प्राणायाम और योग को लेकर इतनी जागरूकता फैला दी है कि आजकल हर कोई इन सब चीज़ों के बारे में जानने लगा है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो अनुलोम विलोम आज हम करने जा रहे हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप इसे रेगुलरली 1 से 1.5 मंथ तक करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलते हैं। और ये बेनिफिट आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपकी स्किन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ये दूर करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं स्किन की बात करूँ तो फ्रेंड्स, स्किन को ठीक रखने के लिए, उसे हेल्दी दिखाने के लिए, उसे ग्लोइंग दिखाने के लिए हम कितना कुछ करते हैं। इतनी महंगी महंगी क्रीमें खरीदते हैं या फिर इतने महंगे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो फर्क है वो देखने को बहुत ही कम मिलता है। अगर आप नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं तो आपको जो है रिजल्ट खुद देखने को मिलते हैं और आपकी जो डेड स्किन होती है वो खुद से रिमूव होने लगती है और वहाँ पे न्यू स्किन अपने आप बनने लगती है। अगर आप ये सब करते हैं तो आपको कोई भी क्रीम लगाने की, कोई भी महंगी महंगी क्रीमें लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नियमित रूप से अगर आप अपनी लाइफ में इसे अपना लेते हैं तो आप डॉक्टर से कोसों दूर रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आज प्राणायाम में करूँगी अनुलोम विलोम और मैं वही चीज़ें आज आपको बताऊँगी जो कि मैं अपनी डेली लाइफ में फॉलो करती हूँ। और मैं कोई योग टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो बाबा रामदेव जी हैं उनको फॉलो करती हूँ और जो बेनिफिट मुझे इसको फॉलो करने से मिलते हैं तो वही बेनिफिट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, इसे करने के लिए आपको क्या करना है कि कोई भी आसन में सीधे बैठ जाना है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और उसके बाद आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। इसके लिए आपने दोस्तों क्या करना है कि अपने पहले एक अंगूठे से एक नाक के छेद को बंद कर लेना है और दूसरे नाक से आपने सांस लेनी है, लंबी सांस लेनी है ऐसे करके, और उसके बाद आपकी जो ये एक
उंगली है वहां से आपने दूसरे नाक को ऐसे दबाना है और इस नाक से सांस छोड़ देनी है, और उसके बाद आपने फिर से इसी नाक से सांस लेके इसको बंद करके यहाँ से छोड़नी है। बस यही प्रक्रिया आपको बार बार दोहरानी है, और इस प्रक्रिया को बिल्कुल आराम से शांति से करना है, और मुंह को जो है वो बिल्कुल बंद रखना है। सो फ्रेंड्स, सेकंड हम करेंगे कपालभाति, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, क्योंकि जैसे कि आप में से कुछ एक लोग जानते होंगे कि मेरा जो वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और मैंने उसे काफ़ी कम भी कर लिया है, और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड की हुई है। तो मैंने इसी प्राणायाम को अपनी डेली रूटीन में जो है फॉलो किया, उसी की वजह से मैंने जो अपना वज़न है काफ़ी ज़्यादा कम भी कर लिया है, और मेरा जो पेट है वो भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम हो चुका है पहले के मुताबिक। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये प्राणायाम आपको कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, ये था कपालभाति जो कि मैंने आपको अभी करके बताया। तो इसके तो वैसे बहुत सारे बेनिफिट है आपकी स्किन के लिए, और जैसे कि इसका नाम है कपालभाति, तो उसी टाइप से ये आपके दिमाग को भी फ्रेश कर देता है, स्ट्रेस फ्री कर देता है, और खासकर ये आपके वैली फैट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इससे आपका वैली फैट जो है वो बहुत जल्दी बर्न होने लगता है। अगर आप मेरे दिए गए डाइट प्लान को फॉलो करेंगे और उसके साथ इन प्राणायाम को आप रेगुलर वे में आप इनको करेंगे, तो आपका जो वज़न है वो 100% कम हो जाएगा, और इसके साथ साथ यदि आपको पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो आप उनसे भी निजात पा सकते हैं। सो गाइज, अब हम एक ऐसा प्राणायाम करने जा रहे हैं जो कि आपके ऑक्सीजन लेवल को काफ़ी हद तक बढ़ाने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है इस कोरोना काल में, और लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है इस कोरोना की वजह से, वो अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, अच्छे से ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको भी कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि आप अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं, आपको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो मैं आज आपको एक ऐसा प्राणायाम बताऊंगी जिससे कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, और आपको सांस लेने में भी इससे आसानी होगी। तो चलिए शुरू, और मैं बताती हूँ आपको कि ये आपको कैसे करना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है इसको करना, आपने करना कुछ नहीं है, नॉर्मली आपने आपने किसी भी आसन में बैठ जाना है, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके, और उसके बाद आपने लंबी लंबी सांसें लेनी है और उसको छोड़ना है, बिल्कुल लंबी लंबी सांसें लेनी है, जिससे कि आपके जो फेफड़े हैं वो पूरी तरह से ऑक्सीजन से भर जाए, और उसके बाद आपने उस पूरी सांस को छोड़ देना है। बस यही आपने प्रक्रिया बार बार दोहरानी है, जिससे कि आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। तो चलिए आप देखते हैं कि इसको कैसे करना है। फ्रेंड्स, इसको आपने बिल्कुल आराम से करना है, बिल्कुल अपने मन को शांत रख के करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इसे करने के लिए, नहीं तो हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको चक्कर आ रहा है, या फिर आपके दिमाग में कुछ ऐसे घूम सा जाए, तो आपको ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर बिल्कुल आराम से करना है। फ्रेंड्स, जैसा कि अगर मैं अपनी बात करूं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हिल एरिया की रहने वाली हूं, तो हम जो हिल एरियाज़ में रहते हैं उनका बहुत ही कम जो सांस है वो फूलता है, उन्हें बहुत कम ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि हम कई ऐसे काम करते हैं जिसमें कि हमें कई बार बहुत ज़्यादा चढ़ाई लगानी पड़ती है, या फिर उतराई में आना पड़ता है, अप एंड डाउन हमें जाना पड़ता है, और उससे क्या होता है कि अगर हम चले भी तो हम अगर जल्दी जल्दी से सांस लेते हैं तो हमारा योग जो है वो वहीं पे पूरा हो जाता है। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो शहरों में रहते हैं और उनको कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है, और वो आराम से ही जैसा हम नॉर्मली सांस लेते हैं उसको वैसे ही लेते हैं, और उनका कभी सांस ना फूलता है और ना ही वो अच्छे से अपनी जो ऑक्सीजन है उसको ले पाते हैं, अपने फेफड़े भरकर वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर आप इस अभ्यास को अपने दिन में एक बार भी करेंगे तो आपको ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होगी, जैसा कि अभी तो सारी ही जगह पे जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही है,
तो अगर आप स्वस्थ भी हैं और कोरोना से बचना चाहते हैं तो आपको इस अभ्यास को जो है अपनी डेली रूटीन में शामिल करना ही होगा। लगभग दिन के 5 से 10 मिनट आप अगर इस अभ्यास को करेंगे तो आप कोरोना से भी बच सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई भी एक्सरसाइज या फिर योग या फिर कोई भी प्राणायाम आप दिन में कम से कम आधे घंटे तक ज़रूर करें, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो और आप बीमार ना पड़ सकें। आपको आज एक ऐसी टिप्स दूंगी जिसे कि फॉलो करके अगर आप अपने बेली फैट से परेशान हैं, अपने बेली फैट को कम करना चाहते हैं, आपका बेबी हुआ है, बेबी के बाद आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, तो आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसे कि आप फॉलो करके अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं भी बहुत कम टाइम में। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो बेली का साइज था वो 42 तक पहुंच चुका था, लेकिन जब से मैंने अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज किया, अपनी डाइट को प्लान किया, कुछ एक एक्सरसाइज स्टार्ट किए और इस चीज़ को मैंने अपनी डेली रूटीन में फॉलो करके मैंने आज अपने वेस्ट का साइज 34 कर लिया है। इसे मैं अभी तक और भी कम करना चाहती हूँ और अभी भी मैं कंटिन्यू एक्सरसाइज और योग वगैरह करती हूँ। अपनी बेली के साइज से मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी भी इसको अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में फॉलो करती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपने सबसे पहले ऐसे बैठना है और उसके बाद अपनी टांगों को सीधा कर लेना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपने अपने हाथों को ऐसे जोड़ना है और इसको ऐसे, जैसे हमारे यहाँ तो अभी भी ये हाथ की चक्की अवेलेबल होती है, लेकिन जो लोग बाहर के होते हैं उनके पास ये सब चीज़ें अभी नहीं होती है। तो आपने नॉर्मली जैसे चक्की को घुमाते हैं वैसे घुमाना है और आपकी वेस्ट का जो साइज़ है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो चलिए आपने भी मेरी तरह ऐसे करना है, देखिए। और उसके बाद आपने इसको ऑपोजिट घुमाना है, तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें कि हमने जाना कि कैसे हम अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं, कैसे हम अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं और कैसे हम अपने वैली फैट को घटा सकते हैं। और इन सब प्राणायाम को, इन सब अभ्यास को जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताए, अगर आप इनको डेली वे में, अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो आपकी स्किन से रिलेटेड हो, हेल्थ से हो या फिर आपके से हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।